बांदा में पोलिंग पार्टी रवाना, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। चौथे चरण में हो रहे चुनाव में जनपद बांदा में भी आज पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई है। मंडी समिति परिसर में सुबह 7 बजे से ही पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। बुंदेलखंड के बांदा में भी कल मतदान होना है, जहां 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 13,07,810 मतदाता करेंगे। बांदा जिले की चारों विधानसभाओं में 833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,507 मतदान बूथ है। क्रिटिकल की श्रेणी में 235 पोलिंग स्टेशन और 269 बूथ रखे गए हैं। इसके साथ ही वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन 50 हैं, जिनमें 84 बूथ हैं। 6,640 मतदान कर्मी मतदान कराने के लिए नियुक्त किए गए हैं। पूरे जिले में 19 जोनल मजिस्ट्रेट और 134 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से लोकल पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की 53 कंपनी भी तैनात है। वहीं स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान की शुरुआत के ठीक 1 घंटे पहले कल डीएम अनुराग पटेल घरों में कुंडियां खटखटाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित भी करेंगे। लगे हैं 19 जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं, 4 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं और हमारे 13,07,810 मतदाता हैं, जिसमें 7,16,122 पुरुष हैं और 5,91,639 महिला और 49 थर्ड जेंडर हैं। 80 प्लस के हमारे 18,743 मतदाता हैं, जिन्होंने 287 लोगों ने ऑप्ट किया कि हम घर से मतदान करेंगे, उसके अगेंस्ट 218 लोगों ने कल तक मतदान कर दिया है। और दिव्यांग 12,229 मतदाता हैं, इसमें से 176 लोगों ने अपना ऑप्शन दिया था कि अपने घर से हम वोट करेंगे, तो अभी तक 100 लोग वोट कर चुके हैं। सर्विस मतदाता हमारे 14,229 हैं, इसके आगे जो मिलिट्री के लोग होते हैं अभी तक इनके 29 जो मत प्राप्त हो चुके हैं, 891 जगह वेबकास्टिंग हो रही है सीधे। उसके बाद हमारी BUCU 120% और BBPAT 130% उपलब्ध है। हमारे मास्टर ट्रेनर 106 हैं, सुपर मास्टर ट्रेनर 2 हैं। हमारी जो वोटर गाइड है 3,16,240 बच चुकी है। क्रिटिकल बूथ हमारे 48 हैं और हमारे मतदान कार्मिक जो हैं 3,596 लोग वोटिंग कर चुके हैं अभी तक, 54% वोटिंग हो चुकी है। हमारी FST जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं वो 36 टीमें हैं और 24/7 काम कर रही हैं। हमारी SST जो स्टेटिक टीमें लगी हुई हैं वो भी 36 हैं, ये भी अपना काम कर रही हैं। और हमारे जो बूथ पर व्यवस्था है, हमारे हर एक कर्मचारी के लिए एक सैनिटाइज़र है, एक मास्क है, एक ग्लव है और एक फेस शील्ड है। 4 आइटम उनके कर्मचारियों के लिए चारों। और जो बूथ पर हमारे मतदाता वोट देने आएंगे, क्योंकि उनको कहा गया है कि मास्क लगा के आएंगे, फिर भी जो मास्क लगा के नहीं आएगा उसके लिए 10% रखा गया मास्क भी। और जो उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था हर बूथ पर 5 लीटर की है और 70% मतदाताओं के लिए हैंड ग्लव्स है। तो ये हमारी व्यवस्थाएं हैं। और इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मतदान होगा, मतदान 7 बजे से शाम 6 बजे तक। अच्छा, मतदान के दौरान जैसे मशीन गड़बड़ी हो जाती है जी, गड़बड़ी आ जाने जी, मतदान बाधित होता है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ जो है, जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर तहसील में भी बैठाए गए हैं, ब्लॉक में भी हैं और हमारे जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और रिटर्निंग अफसर हैं, उनके साथ भी हमने मास्टर ट्रेनर बैठा रखा है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अफसर के पास रिजर्व EVM रहेगी, हम उनको रिप्लेस कर देंगे। हमारे चारों तहसीलों में हमारे बेल के इंजीनियर भी हमने सब अलग अलग चारों विधानसभा में कर दिया है, तो जहाँ भी कोई गड़बड़ी होगी, मशीन में गड़बड़ी होगी, सरकार ठीक करा जाएगा। और कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, कितने बूथों पर मतदान किया जाएगा? आप जानते हैं कि हमारे बांदा जनपद में 4 विधानसभाएं हैं और चारों विधानसभाओं को मिलाकर 1507 बूथ हैं। एक बूथ पर 4 कर्मचारी है, तो इस तरह से हमारे 6,028 कर्मचारी लगे हुए हैं, पीठासीन अधिकारी P1, P2, P3 और 10% रिजर्व, तो सब मिलाकर 6,056 कर्मचारी एक्चुअल में हमारे जो पोलिंग कराने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग विधानसभा की अलग अलग व्यवस्था है, काउंटर बने हैं, वहाँ से अपना सामान ले रही पार्टियाँ और काफ़ी कुछ पार्टियाँ बसें मूव कर चुकी हैं। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।